नमस्कार, आज हम बनाएंगे पाव भाजी, मुंबई का स्पेशल स्ट्रीट फूड। कुकर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन स्वाद और फ्लेवर बिल्कुल वही रहेगा। तो शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं। तो ये 3 आलू हमने छील कर ले लिए हैं, वज़न में ये 300 ग्राम है। इन्हें काट लेंगे, छील कर अच्छे तरीके से धो लिए हैं और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। आलू कट गए। ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का ले लिया है, इससे पाव भाजी में अच्छा कलर आ जाएगा। इसे हम बारीक बारीक काटेंगे। ये चुकंदर भी कट गया। फूल गोभी को हमने फ्लोरेट करके ले लिया है। फ्लोरेट किया हुआ 125 ग्राम गोभी है और ताज़ा हरे मटर के दाने आधा कप। बस इतनी सब्जियां चाहिए हमें। इन सब्जियों को उबालने के लिए कुकर में डाल देते हैं। आलू, मटर, मटर आप फ्रोजन भी ले सकते हैं, फूल गोभी और ये चुकंदर। 1 कप पानी, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 छोटी चम्मच नमक मिला देते हैं। इन्हें फ्लेम ऑन कर देंगे, कुकर को बंद कर देते हैं और सीटी आने तक इन्हें उबलने देते हैं। कुकर में जब तक सीटी आती है तब तक हम काटेंगे टमाटर। तो ये 4 टमाटर है, वजन में 300 ग्राम, और बीच में से ये जो बीज है वो हटा देने हैं। टमाटर एकदम बारीक काटने हैं। ये टमाटर कट गए। कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी फ्लेम पर इसे 4 मिनट उबलने देंगे। सब्जियों को धीमी फ्लेम पर 4 मिनट उबाल लिया है, फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। और अब बनाते हैं पाव भाजी के लिए मसाला। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, 2 टेबल स्पून बटर। अब इसमें डालेंगे ये कटे हुए टमाटर, आधा छोटी चम्मच नमक। ये मसाले के लिए नमक डाल रहे हैं, सब्जियों के लिए नमक हमने कुकर में ही डाल दिया था, और नमक टमाटर के साथ डाल दे रहे हैं। टमाटर जल्दी से कुक हो जाएंगे। बस बीच बीच में थोड़ा सा चला देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मैश होने तक भूनना है। और इसी के साथ डाल देंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और टमाटर के साथ इन्हें भूनते हैं अच्छी तरह से। टमाटर काफ़ी कुक हो गए हैं, अब इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो ये 1/2 कप शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, इन्हें भी इनके साथ अच्छी तरह से कुक करेंगे। टमाटर शिमला मिर्च कुक हो गए हैं, अब इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये 2 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। ये मसाले देखिए भून गए हैं, बटर इनके ऊपर तैरने लगा है और अच्छी सी खुशबू निकल रही है। और अब हम अपना कुकर खोल लेते हैं, सब्जियों को मैश कर लेते हैं। और ये सब्जियां आप डाल देंगे इस मसाले में। अब सब्जियों को अच्छे तरीके से घोटना है। फ्लेम धीमी कर ली है और देखिए इसे अच्छे तरीके से घोट दिया। सब्जियां एकदम एक दूसरे में मिल गई हैं। बाजार में भाजी को कलर देने के लिए मसाले के साथ लाल कलर डालते हैं, आप चाहें तो आप भी इसमें कलर डाल सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को कलर क्यों खिलाएं। थोड़ा सा इसे पतला करते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसमें और बटर डालते हैं। ये 1 छोटे नींबू का रस निकाल के ले लिया है और अब फाइनली थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देते हैं और ये भाजी तैयार हो गई। और ये पाव इसमें कट लगा लेते हैं और पीछे की ओर थोड़ा सा जुड़ा छोड़ देंगे। बाजार का लुक देने के लिए तवे पर थोड़ी सी सब्जी डाल देते हैं और इसमें डालेंगे अब बटर और पाव को बिल्कुल हल्का सा सेक लेंगे, और ज़्यादा नहीं सेकना होता है। ये पाव तैयार हो गए। ये 1 नींबू का टुकड़ा और हरी मिर्च भाजी। दूसरे पाव को भी काटा और बटर लगाया। पाव भाजी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और इतनी भाजी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। और ये तो आपने देखा ही, ये कितनी जल्दी और आसानी से बन गई है।
ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे 15 दिन या महीने में एक बार डिनर में बनाकर परोसना जरूर पसंद करेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।